फिर से रंग आ गए जिंदगी में। यो रंग तो वापस आ गया, पर डेंजर का लाल रंग अभी तक गया ना है। वो धर्मभक्त शिशुपाल और चतुर्चंचल चाची के चेहरे पूरे दिन मेरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। अरे तो चाची की टेंशन ना ले, जैसे तो क्या है, रूम सर्विस दे देंगे उनको पटाने के लिए। और चाचा का क्या करेंगे, वो सही भी तो कह रहे, पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे तो अटेंडेंस की टेंशन हो रही है, वरना बाद में प्रोफेसर की लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी। मैं क्या सोच रही थी, बारी बारी कॉलेज अटेंड कर ले। हाँ बैठ, वैसे आइडिया तो सही है, एक दूसरे की अटेंडेंस भी लगवा लें। एग्जैक्टली, व्हाट पुतु की सिस्टर्स, व्हाट आई वाज सेइंग, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। ना तेरे अंदर कौन सा जिन घुस गया सुबह सुबह? अब वो थोड़ी याद करके आया था, कहना बस इतना चाहता हूँ वो टाइम से दुकान पे आ जाना, वो ज्यादा कस्टमर देख के आई गेट नर्वस। वाह पुतु, तू तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। ना इसके लिए तो इसे इनाम देना चाहिए नहीं? हाँ चल, आंखें बंद कर हाथ बढ़ा, पहली सरप्राइज है। ना जी ना, पिछले कुछ समय से जो सरप्राइज मिल रहे हैं ना, तो फिर सरप्राइज से डर ही लगने लगा है मुझे तो। आई डोंट नीड सरप्राइज। दो सरप्राइज, सरप्राइज दो। क्या है? आंखें तो खोल। ओ या। मुझे तो लगा हम लोग मेरा फोन भूल नहीं गए। अच्छा बेटा, मतलब इतना सेल्फिश समझ कर रखा है अपनी बहनों को, जो अपना कमरा ले लेंगे, अपनी स्कूटी ले आएंगे और तेरा फोन भूल जाएंगे। सुन पुत्तू, एक सेट पे फोन वापस दे रही हूँ, मन लगा के पढ़ाई करनी है, वरना फिर से वापस ले लूंगी। फोन प्लीज, करूंगा करूंगा, पक्का करूंगा। थैंक यू। चल चल जल्दी कर। हाँ हाँ चलो चलो। कुसुम, आज भरवा करेला बना लो, पुत्तू को भी पसंद है। सुन, तुझे याद तो रहेगा ना कि भूल जाएगी, जैसे मैंने कल बाथरूम में बंद करके भूल गई थी। हाँ? चंचल को बोल देता हूँ, दोनों में से एक तो याद रखेगी। चंचल, जरा सा बोलो तो गुस्सा नाक पर ही होता है। जरा बाजार से करेले लिया, भरवा करेले खाने की फरमाइश की तेरे भाई साहब ने। भाई साहब को भी ना घर में रह के काम के लिए कोई और जना नजर ही नहीं आता। अब भला मैं अच्छी लगूंगी बाजार में करेले खरीदती हुई? गुन्नू और सत्तू को बोल देती हूँ, नौकर है, इतना काम तो कर ही सकते हैं। जी जी, चंचल के होते आपके रोते, शाम तक करेले हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, हेलो मम्मी, सुबह सुबह थिंक ऑफ मुझे। अरे बेटा, तेरे बारे में तो मैं सारा दिन थिंक करते रहते हूँ, लेकिन अभी ना फोन मैंने गुन्नू और सत्तू के लिए किया है। फोन दिया जरा उन्हें। गुन्नू सत्तू आए हो तो ना, वो आए ही नहीं अभी तक। हैं? आए नहीं अभी तक? रोज ही लेट आते, सारा काम मन ही करना पड़ता है। क्या गुन्नू सत्तू अभी तक नहीं आए और रोज ही लेट आते हैं? चंचल, फोन दे इधर। ये चल रहा है, धर्मपाल की धर्मशाला समझ रखी है के? अपने टैलेंट का ऐसे फायदा उठा रहे, मनमानी कर रहे। वो आए तो उन्हें साफ साफ कह देना, काटेलाल एंड सन्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर। उन्हें क्या लगता है, रोहतक में बाल काटने वालों की कमी है के? फिर क्यों 77 सालों में 70 सैलून बंद हो गए और हम अभी भी खड़े? अरे वो इसलिए तेरे ताऊजी ने रोज सवेरे 8:30 बजे दुकान खोली है, और धूप बत्ती करते करते हनुमान जी ने कस्टमर भेज जाए। अरे कस्टमर भगवान का रूप होता है, कस्टमर को वेट कराना क्या होता है बोल? क्या होता है ताऊ जी? अरे पाप होता है पाप। सुन, वो गुन्नू सत्तू को बोल देना, अगर नौकरी करनी हो तो रोज टाइम पे आया करे, इस मामले में मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तू भी उनसे सख्ती से पेश आया करना, अरे मालिक है तो उनका। यस ताऊ जी, यस यस ताऊ जी, यस। ले पकड़। हाँ बस। अरे पापी हो जाओ, कहाँ रह गए? शास्त्री जी, आपके पैसे। धन्यवाद और खेद के साथ। धन्यवाद इसलिए कि आप टाइम पे काम आए, और खेद इसलिए
ये बाप को नई जगह देखनी पड़ेगी ना। खेत के साथ मेरी मुश्किलें हल हो जाएगी। अरे मेरी वाइफ को आपका घर इतना पसंद था, वो तो कह रही थी कि कुसुम जी से कटहल की सब्जी बनाना सीखूंगी। सॉरी शास्त्री जी, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। वो असाइनमेंट्स खत्म नहीं हुआ है ना अभी तक, तो उसे आज रात को पूरा करके ही सोएंगे। हाँ हाँ, और मैं क्या कह रही थी, वो ना प्रियंका से असाइनमेंट्स की फोटोकॉपी करा लेती हूँ। हाँ। और फिर तू डायग्राम संभाल लियो। हाँ हाँ संभाल लूंगी ना, क्लास में चलते। चल चल क्लास। छोरियां बात तो पढ़ाई की कर रही थी, कॉलेज भी टाइम पाई है, लगता है मेरे समझाने का असर हुआ है। अब बोल दुकान का क्या करना है? आज मैं कॉलेज अटेंड कर लेती हूँ, तू दुकान चली जा। हाँ ठीक है, वैसे भी पुत्तू वेट कर रहा होगा। हाँ टाइम इज मनी दीदी। चली जा। तुम छोटा अड्डी तुम्हें आ गया। प्लीज डॉक्टर प्रमोद। हाँ डॉक्टर साहब, तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो? अच्छा तो ना कर रहे मेरा। लगता है दिल की बात जुबान पे आ गई। वैसे कहो तुम वो भी करने के लिए तैयार है? उल्टे पैदा हुए थे ना, किसी बात का सीधा जवाब ना दे सकते तुम तो। सीधी बात ये है सुशीला जी कि बिना बुलाए तो हम लंदन भी नहीं गए थे, उन्होंने भी स्कॉलरशिप दे के बुलाया था, तब तशरीफ लेके गए थे वहाँ, तो आपके इस कॉलेज में क्यों आएंगे? अच्छा तो यहाँ कौन सी फैन फॉलोइंग है आपकी, जरा हम तो सुने। अरे आपके प्रिंसिपल ने बुलाया है, वो क्या है ना कि आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर पे गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर तो हो गया मंटादार स्टूडेंट्स का है। अपने खुद के लिए तो फैसला ना ले पा रहे तुम कि मैं यहाँ रहूँ या लंदन चला जाऊँ, और स्टूडेंट्स को गाइडेंस दोगे ना? ना ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ है और उन्हें ना लेट लतीफ पसंद आए। और मैं वक्त का पक्का इंसान। अच्छा हाँ, कभी कहीं बुला के देखिए। By the way, I still have 7 minutes. But I don't have even 1 minute for you. Okay then, see you around. मुझे कैसे जवाब दूंगी? सच सच बता, क्या गुल खिला रही है? अच्छा ठीक है मत बता, मैं बताती हूँ। मेरे पास ना एक सॉलिड न्यूज है, विक्रम और मैं डेट पे गए थे। फर्स्ट डेट। कॉफी पीना होता है, डेट नहीं, डेट पे गए थे। मुझे तो लगता है कि उसका मन किया होगा कॉफी पीने का, और साथ में चलने के लिए कोई होगा नहीं, इसलिए तुझे ले गया होगा। तू वो डेट्स पे गई है ना, अबे सिंगल इंसान, पहले एक्सपीरियंस ले फिर बोल। अच्छा तो तेरा मतलब ये है कि अपने पैरों पे लोहे का हथौड़ा गिरने के पेन को इमेजिन करने के लिए पहले उसको अपने पैरों पे गिराए और एक्सपीरियंस ले। क्या बोली जा रही है? लोहे का हथौड़ा, मैं क्यों अपने पैर पे गिराऊं? हाँ ठीक है, इस एग्जांपल को भूल जा, पर कॉफी पीना होता है, डेट नहीं, बात खत्म। तुझे पता नहीं है ना कि वहां पे क्या क्या हुआ था, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। इट्स ओके। एक मिनट, क्या हुआ था? जब उसने मुझे कॉफी दी ना, तो हमारी फिंगर ऐसे टच हुई, ऐसे टच हुई। हाँ तो हो गई टच, इसमें क्या है? मतलब टच नहीं हुई, उसने की टच। सुन प्रियंका, ये जबरदस्ती के मोमेंट्स में ना मीनिंग मत निकाल। ये देख, इसको कहते हैं टच, इसको कहते हैं टच, ये इसको कोई टच वच नहीं कहते, ये तो बस ऐसे ही हो गया होगा। तो मतलब कुछ नहीं हुआ? नहीं। What? आपने फोन पे पिक्चर्स भेजी हैं? नहीं मॉम, मैंने अभी तक चेक नहीं किए। हेलो
बताना यार मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि बात फिंगर से ना बाहों तक पहुंच जाए। शॉपिंग चले? क्यों? मैं नए कपड़े खरीदूंगी, अच्छी दिखूंगी तो अपने आप खींचा चलाएगा। सुन मेरी बात सुन, अपना फोकस अपने स्टडीज पे रख, लाइफ में कुछ आता नहीं है करना। और ये जो इस टाइप के बॉयज है ना, ये बस अपने डोलों को, अपने बालों को, अपने कपड़ों को ही नोटिस करते हैं, दूसरों की खूबसूरती तो नहीं दिखाई बिना देती। तो फालतू में ड्रेसअप होगी और ऐसे टाइम में। हाँ तुम बहुत जानती हो ऐसे बॉयज के बारे में। I'm sorry. मैं उनमें से नहीं, क्योंकि मैं तो खूबसूरती को नोटिस भी करता हूँ और उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। It's for you. उस दिन की कॉफी के लिए, ऐसी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। थैंक यू, पढ़ाई करो। अरे यार बोलू कुछ कर, ये प्रियंका तो कभी कॉफी पी रही है कभी चॉकलेट खा रही है, ऐसे तो हम दोनों की लुटिया डूब जाएगी यार। घर में गई पढ़ाई। सत्तू सुशीला जी की स्कूटी पे सुशीला जी के बैग के साथ। इंटरेस्टिंग। अच्छा चंगू मंगू की जोड़ी में एक ही आया, दूसरा कहाँ गया? भाई साहब मैं भी एकदम सेम टू सेम सोच रहा था, आप हमेशा मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेते हो। अगर लंच के लिए गुन्नू का वेट कर रहे हो तो लंच कर लो, क्योंकि गुन्नू तो लंच के बाद आएगा। यार ये तो फोटोकॉपी है सुशीला जी का, सेम टू सेम बिहेवियर, वैसे ही पंगे ले रहा है। आज पेशेंट भी वेट नहीं कर रहे, देख के ही जाता हूं। चल भाई फिट करी, चाय पकड़ ले। वापिस चाय? चाय चाय चाय। ए पुत्तू अपनी चतुर अम्मा को समझाना, पहले उनकी वजह से गुन्नू और सत्तू बनके सब्जी लेकर घर जाना पड़ेगा, फिर वापस आके गरिमा सुशीला बनके फिर से घर जाना पड़ेगा। मैं ही जानती हूँ कैसे कॉलेज से चाचा से बच के दुकान पहुँची हूँ। एक तो मैं देखो आपका काम कर रहा हूँ और ऊपर से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। अरे यू सिस्टर्स, पता भी है क्या हुआ था मेरे साथ में? वो ताऊ जी ने क्लास ले रखी थी मेरी, बोलन लाग रहे थे कि वो गुन्नू और सत्तू दुकान पे टाइम से क्यों नहीं आ रहे, और वो बीच में मेरी मम्मी ने वो अपने वो बिटर करेले घुसा दिए। मैं क्या करता, एक तो वैसे ही मेरी ताऊ जी के सामने सीटी बिट्टी गुल हो जाती है। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सारा यूनिवर्स ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कॉलेज में वो डॉक्टर प्रमोद आया हुआ था, हैं? हाँ कह रहा था वो प्रिंसिपल से मिलना चाहता है। मुझे तो फुल डाउट हो रहा है उस पर। डाउट? मुझे तो यकीन है बेटे वो तेरे चक्कर काट रहा है, लाइक करता है तुझे छोटा हड्डी। हाँ जिससे तू करती है विक्रम को, हाँ ना उसको देख के तेरी सिट्टी बिट्टी भूल हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है तू आसपास। हाँ हट, ही इज तो जस्ट गुड फ्रेंड ऑफ गुन्नू। हाँ शुरुआत तो गुड फ्रेंड से ही होती है ना, फिर क्लोज फ्रेंड्स बनने में टाइम ना लगता, फिर वो जल्द ही ना तेरा स्पेशल फ्रेंड बन जाएगा। शट अप, इस वक्त मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। सच कह रहा हूँ, अगर वो आ गया ना तो मैं मुंह फेर लूंगा। सुनना मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलना। अरे ना ना गुन्नू बहुत बिजी है, वो आजकल ना सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करना चाहता है। क्यों गुन्नू? अरे नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही बड़बड़ करता रहता है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए हमेशा टाइम है। चल चल जल्दी चल, बोलो
पता आज कॉलेज में क्या हुआ? तुमने प्रियंका को चॉकलेट दी। मुझे किसने बताया? नहीं मतलब दी होगी, लड़कियां करती क्या है। देखो मैं ना सीधी और सेल्फलेस बात करता हूँ, ये चॉकलेट देना, घूमना फिरना, कॉफी पीना, इन सब में जो टाइम वेस्ट होता है ना, तुम्हें ये टाइम अपने काम पे लगाना चाहिए। अभी अभी नया काम शुरू किया है, दुकान में एक ढेला भी नहीं आया है, तो तुम्हें लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हो। देखो मेरी बात। कितना इमोशनल कर रहा है तू यार। अरे मेरे काम की टेंशन मत ले, मेरे पास एक क्लाइंट की ना जो बाइक है ना उसकी रिमॉडलिंग का ऑफर आया है। अच्छा, देख क्या कमाल करता हूँ। और है ना अपने अवतार अंकल, उनका भी एक्सपीरियंस काम आ जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। अभी तुम प्रियंका का पीछा छोड़ दो। क्या हुआ यार? प्रियंका को तो बताना भूल ही गया, उन्हें अच्छा याद दिलाया। और हाँ, उसको डेट के लिए भी पूछ लेता हूँ। थैंक यू। जिस तरह से ये भाग रहा है ना, तेरा नंबर तो नहीं आने वाला है गरिमा। आप लोग स्ट्रेक्स भी हाईलाइट करते हो? सर जी, माई सेल्फ फिटकरी सर। कौन से टोन की बात कह रहे हो आप? गोल्डन और सिल्वर। अरे वो तो आज ही खत्म हो गया। अच्छा, हमारा क्या है ना, केमिकल वाले कलर इस्तेमाल ना करते हम, वो ऑर्गेनिक कलर इस्तेमाल करते हैं। आप एक काम करो ना, आप अपना नंबर दे दो, एक दो दिन में मैं पर्सनली आपके लिए मंगवा लूंगा। फिटकरी सर आपको पर्सनली कॉल करेंगे, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है फिटकरी, तेरे तो आज बचा लिया है, इज्जत पे बट्टा भी नहीं लगने दिया। यो तो हमारी ड्यूटी है। तो मैं निकलूं, आप दुकान तो मंगल कर दोगे ना? हाँ हाँ, ओके बाय बाय। पुत्तू तू दुकान मंगल कर देना, हमें तो पहले करेले खरीदने जाना है। घर पे मिलते बाय। कहीं ये छोटा हट्टी की तो गाड़ी नहीं है? ये यहाँ भी टकरा रहा है, वहां भी टकरा रहा है, हर जगह टकरा रहा है। जरूर इसके अंदर कुछ गुड़गुड़ चल रही है। कहीं गरिमा ठीक तो ना कह रही थी, ये सच में मुझे पसंद तो ना करने लग गया? अब तो डॉक्टर साहब के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। चल तू रुक, मैं अभी आई। क्या हुआ? दुकान पे नजर गड़ा रखते हैं। भाई साहब, ये गाड़ी किसके बीच में आ रही है? तुम्हारे से क्यों पूछ रहे, जाके देखना। चल। एक्सक्यूज मी, अरे आप लोग बीच में आ रहे हो? बीच में हम आ रहे हैं? अरे बीच में तो आप आ रहे हो। अरे आगे से हटो ना, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू पीछे हट, तू हटाएगा हमको, वो भी हफ्ती मार्केट से है? अरे दिमाग खराब। अभी क्यों चेंज कर लिया? तू चल, मैं तुझे डिटेल में बताती हूँ। अब तो बता, रेयर व्यू मिरर देख। अब तो मान जा डॉक्टर साहब तेरे पे लट्टू हो रहे हैं। उसी का तो इलाज कर रही हूँ, उनके दिल को फुटबॉल की तरह किक पड़ने वाली है आज। बेचारा बहुत जोर से आवाज आएगी। Thank you.
भाई साहब कुछ समझ ना आ रहा है। कल गरिमा सत्तू के साथ घूम रही थी, आज सुशीला गुन्नू के साथ घूम रही है। अरे सही जा रहे हो छोरो, बहुत सही जा रहे हो। साई की तरह पीछा करो दोनों का, हैं? दोनों तेरी आंखों से उजलने होने चाहिए, क्योंकि मने सब समझ में आ रहा है कि करना क्या है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.